Thank you.
हमारा एक भेज उसको बच्चा नहीं था उसको बच्चा नहीं था हमारा बच्चे नहीं थे हमारा को भेज गई थी उसको बच्चा नहीं था नौकरी में और वो आपके प्रति सेवग्राम वो आपके प्रति सेवग्राम और दादा का कलेक्टर करता था जवान का गोवा को क्या मुरली खान मामले बाबा है वो ब्रह्म बाबा का एक बड़ी बहन थी मुझे कोई बच्चा नहीं था बड़ी बहन को कोई बच्चा नहीं था तो बाबा का पति सेवाग्राम का और दादा के घर का दोनों का जवान का बिजनेस था जो बाप की बहन की बच्ची बच्ची होती है ना वो बुआ कहती वो पटना से कौन थी किसको बुआ लगते में वो तो अभी भी बैठी ना जर्मन तांता दादी जर्मना शांति देने का बुआ ये वोट लिया था हैं उनको थोड़े समय के लिए वोट ले लिया था जर्मन तांता दादी को जो ब्रह्मा बाबा की बहन थी वो पुत्री थी उसको बोल ले लिया था उनकी बुआ ने भाई जो सेवाग्राम का जो पत्नी थी वो पत्नी बड़ी मम्मी थी या छोटी मम्मी थी दोनों मम्मी जो है ना सौराज में एक साथ जाती है वो प्रयाग के साथ एक साथ जाते हैं तो आपने छोटी मम्मी जो है माता थी एक बात ये है कि जो आदि में विष्णु होगा वो अंत में भी विष्णु स्वरूप होगा या नहीं आदि तो अंत तो यज्ञ के आदि में विष्णु का पार्टधारी प्रैक्टिकल आत्माएं कौन कौन है प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी और दोनों माँ अगर इकट्ठी कर जाए तो उनको महालक्ष्मी कहेंगे या विष्णु कहेंगे महालक्ष्मी तो कहेंगे तो यहाँ विष्णु की हो रही है तो विष्णु कौन था विष्णु का तो कौन सी आत्मा इसकी इकट्ठी करनी है प्रजापिता अरे नारायण लक्ष्मी नारायण आज में थे वही है कि आज में फिर होते विष्णु की नाली से 10 साल के बाद 47 में 51 में जाके ब्रह्म उससे पहले तो ब्रह्म को वो नाम लेना ही नहीं था जब वो कराची में उनके द्वारा मुरली चलाना शुरू किया तब पता चला कि ये ब्रह्म है। बाबा क्राइस्ट के कुछ साल पूर्व संन्यास धर्म आया ऐसा कहा है ये संन्यास धर्म तो क्राइस्ट की बाल है वास्तव में बौद्ध धर्म से ही संन्यास धर्म शुरू हुआ है किंतु बौद्ध लोग पहले गृहस्थी हुआ करते थे लेकिन बौद्ध स्तूपों में गृहस्थियों ने उन गृहस्थियों ने साथ साथ रहना शुरू कर दिया इससे उन्होंने व्यभिचार फैल गया और उन्हें बैराग आने लगा और छोड़ छोड़ करके सन्यासी बन गए इसलिए बोला है कि क्राइस्ट से कुछ समय पहले सन्यास करवाया बाबा
ऐसा कहते हैं आप मंदिर में कहते हैं कि धर्म के तौर पर मंदिर में जाके बाबा को फिर दे दो, तो सभी के लिए कहते हैं या अपने वो के लिए कहते हैं? सभी के लिए बना सभी बच्चे देंगे सभी के लिए जाएंगे अभी के लिए क्यों जाएंगे? जाके परिचय लेना अच्छी बात है ना, भगवान के भक्तों को तो सुनाएंगे, नास्तिकों को तो सुनाने में कोई फायदा ही नहीं। बड़े बड़े अरबपति करोड़पति बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि तो धन कमाने में ही लगी हुई है, उनको थोड़ी सुनेंगे। सन्यासी करते हैं वो कर रहे हैं, मतलब सन्यासन में जाएगा जहाँ पर साबित हो गया ना कि वो दिखावे का पुरुषार्थ कर रहा है, जो बाबा का बताया हुआ पुरुषार्थ है इंद्रियों को कंट्रोल करने का वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। सन्यासी ने भी ऐसे ही किया, तो नागे बाबा होते हैं नंगे रहते हैं वो ऐसे थोड़ी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। बाबा आवेश वाणी में बार बार प्रतिभा पाटिल का नाम आया, तो अभी जो राष्ट्रपति बने ना प्रतिभा पाटिल बनने से पहले आवेश वाणी चली 610 ईसीडी नंबर है, उसमें प्रतिभा पाटिल का नाम आया बार बार। ठीक है राष्ट्रपति बनने पटेल को विशेष मान्यता देती है या नहीं देती? और जब उसे एडवांस का पैसे मिलेगा तो एडवांस की बातों को भी मानना पड़ेगा, अभी कोई ने प्रयास तो नहीं किया है। राजस्थानी कहाँ की है? राजस्थान राजस्थान वो तो लोग तो बात हुई, बेहद का अर्थ क्या हुआ? बेहद में राजस्थान कौन सा है? जो राजाओं का स्थान है वो राजस्थान, बोला है आगे चल के राजस्थान की संख्या अपूर्ण हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी ज्ञान के चलने वालों की। तो बीएड में जो प्रतिभा पटेल है वो ब्रह्मा बाबा को तो मानती होगी ना, प्रतिभा पाटिल कांग्रेस को ठीक नहीं बाबा लोग कांग्रेस की जीत तो है लेकिन जो भी हुए हैं वो कांग्रेस से ही तो हुए हैं ज्यादातर, आज से लेकर के अंत तक ज्यादा राजनीति नहीं किया है, ये तो 5-7 साल के लिए अभी जनता पार्टी देगा उसी से बैठ गई। कांग्रेसी है वो कौन है? जिन्होंने कभी स्वर्ग बना नहीं पाया उनके मुखिया क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य लाने की वजह क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया।
वो नरम दल के थे। कौन? गांधी। दूसरों के दबाव में आकर के कहीं राजा ही नहीं कर पाता है कोई। आप सारा भारत विदेशियों के चक्कर में आकर के आधीन बन गया। हर बड़े बड़े शहर में देखा जाए तो विदेशी कंपनियां अपना आधिपत्य जमाती चली जा रही है, तो भारत की गवर्नमेंट कुछ भी कर नहीं सकती। ये सब है कांग्रेसियों की औलाद। असली पार्टी तो सिर्फ जनता पार्टी है। लेकिन उसमें एक ही महारथी दिखाई पड़ता था, बाकी बैठे सब राम जी थे। बाबा जी, जो त्रिमूर्ति का चित्र जो है उसकी तीनों ही पुरुष का दिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो जो स्त्री का है वो पुरुष का है। त्रिमूर्ति के चित्र में भक्ति मार्ग में तीनों पुरुष स्तन दिखाए और जो देवी के नारी में चित्र बनाया गया उसमें भी तीनों ही कुर्सी बैठाए गए। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की त्रिमूर्ति कही जाती है। दीपक नारी में भी दादा देवराज ब्रह्मा का ही चेहरा ब्रह्मा के रूप में बैठाया गया है और विष्णु शंकर के रूप में भी वही चेहरा है, तो मुंह हटा दीजिए। तीनों जगह कुर्सी ही बैठे हुए। में बोला है कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, मतलब तीन मूर्तियां जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली है, सारे विश्व के ऊपर जिन तीन मूर्तियों का डंका फहराएगा और मूर्तियों में से एक है ब्रह्मा तो विष्णु, वो कौन सा ब्रह्मा है? ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, ये तो दोनों एक ही हो गए, अलग अलग नहीं है। बाकी रहा शंकर, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर जो एक हो गए वो कौन हुए ब्रह्मा? ऐसे तो ब्रह्मा चार दिखाई गए और प्रजा पिता ब्रह्मा एक को कहा जाता है। चार भुजाओं के रूप में जो चार ब्रह्मा है वो चलाने वाले नहीं है, चलने वाले हैं। और वो चलाने वाला प्रजा पिता है ऊपर, तो जो चलाने वाला रूप है वो लिया हुआ मुखिया, इस रूप में भी वो मुखिया है। और जो दादा देवराज है प्रवेश करते हैं माँ माता में, वो माता की रुद्रमाला का मर्तन है, इसलिए स्वभाव संस्कार से पुरुष है, इसलिए वो भी पुरुष है।
अब रह गई है कभी शक्ति। वैसे भी शक्ति है वो अपने स्वभाव संस्कार भले चंद्रमन से आती है, अपने स्वभाव संस्कारों को कितने बच कर लेती है, सूर्य की नारायण में मन कर देती है ना। जो पहले बकरी के स्वभाव था वो बकरी का स्वभाव फिर बाद में नहीं रहता, शेर शेर नहीं रहता, ही स्वभाव हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग के तीनों चित्रों में पुरुष रूप दिखाया गया है, संपन्न चीज किया गया है। नहीं तो बोलने बोला है वास्तव में त्रिमूर्ति में तीन शेर नहीं है, उनमें एक है घोड़ा, एक है बकरी और एक है शेर। वो वर्तमान समय की अंदर घोड़ा है मनुष्य, घोड़ा ब्रह्मा, और बकरी है जिसने भी कान पकड़ लिया बस उनसे ही अंदर में। जब तक कान पकड़ में है तब तक उसके अंदर में, तो जो कान पकड़ ले बकरी दिखाई है, लेकिन वो बकरी हमेशा बकरी नहीं रहती है। जब सही संरक्षण में आ जाती है तो वो भी शेर नहीं हो जाती। अब पपीते में आधे नर बीज और आधे मादा बीज होते हैं, आधे आधे की बात नहीं। और कोई पपीता भी ऐसा आ रहा है उसमें बीज नहीं होता है, एक आध बीज तो होता है। तो ज्ञान में सुख चलता है, ज्ञान में सुख चलता है, क्योंकि ये भाई का नाम ज्ञान में सुख है, लेकिन बाबा को बिल्कुल पता चल नहीं दी सुधार नहीं होगा। लेकिन यदि सुधार नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, जो पाप कर्म है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। दिन दूना रात चौगुना भूजा चलता जाएगा, होगी ना पाप पाप किया और बाप को बताया नहीं तो पाप वृद्धि को ही पाप है ना, बच्चे आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं या पुरुषार्थ से? आशीर्वाद से भगत आगे बढ़ते हैं और बच्चे पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। जो आशीर्वाद मांगते हैं वो बाप के बच्चे ही नहीं है, भीख मांगे हैं। भीख मांगना करना भक्ति मार्ग में होता है, भक्ति आती है रावण से। रावण कौन? मुरली मोला जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, वो भीख मांगना सिखाते हैं। भीख मांगते हैं और अपने खेलों में भी भीख मांगना सिखाते हैं, और बाप क्या सिखाते हैं?
आप रास्ता बताते हैं, श्वेत पोशाक करने का रास्ता, ऐसा श्वेत पोशाक करेंगे तो ये है बनेंगे लक्ष्मी नारायण, नहीं करेंगे अपनी मन मत पर चलेंगे, मनुष्य मत पर चलेंगे तो भारत बन पड़ेगा। देशी प्रणाली में ये जो स्थिति पैदा होती जा रही है वो क्यों पैदा होती जा रही है? मांगने के कारण याद करते करते थोड़ी मेरी याद भी सीखते हैं, याद करते करते याद करते करते हाँ मेरी याद भी सीखते हैं कि वो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ही देना भूल जाते हैं। गहरी याद होगी तो गहरी याद में जाते जाते स्थिति ऐसी आती है किसी भी प्रकार नहीं रहती, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ही भूल जाते हैं। हाँ जी, पांच तत्वों के ऊपर ही विजय हो जाती है। भयंकर एटमिक एनर्जी का विस्फोट होगा, अंत में सारी दुनिया में बदबू बदबू भर जाएगी, वही बचेंगे जो आत्मिक स्थिति में पक्के स्थित हो गए होंगे। बाकी बाद में तो दूसरा धार बरसात होगी ही तो बदबू सारी हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी। बाबा जयपुर हाईवे रोड पे एक बुलेट बाबा है, उसकी पूजा करते हैं लोग, जो बुलेट रखा हुआ है उसको जी टीवी में दिखाया होता है, जयपुर हाईवे रोड पे है वो, उसको भगवान मानते हैं लोग, बुलेट रखा हुआ है, बुलेट को हार वो डाल के उसकी पूजा करते हैं, उसको बुलेट बाबा बोलते हैं। मैंने बंदू बुलेट अपना जो ये रहता ना गाड़ी चलने वाली पुरानी जमाने की गाड़ी है, पुरानी जमाने की जो बुलेट रहता है ना, बुलेट गाड़ी का ना, बुलेट गाड़ी बुलेट दो चार दिन उसको टीवी में दो चार दिन कंटिन्यू दिखाया तो 10 साल से पता चलते आया वो हार वो डालते हैं लोग, हर वो डाल के पूजा करते हैं उसकी वो बुलेट गाड़ी। हाईवे रोड पे हाईवे रोड पे जाते होंगे तो जो गाड़ी पे ड्राइवर जो रहते ना सब लोग उसकी पूजा करते हैं, कुछ आरटीओ नहीं पकड़ सकता अगर उसकी पूजा नहीं करे तो आरटीओ पकड़ लेता है, ऐसी भावना है लोग आरटीओ लोग जो रहते ना अगर उधर वो बुलेट की अगर पूजा नहीं करे तो आरटीओ आगे पकड़ लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा लोगों ने मान्यता है। आपको बहुत अच्छी लग रही है, बाबा जहाँ जीत वहाँ जन्म होता है, जहाँ जीत वहाँ जन्म होता है, तो इसका मतलब जो जन्म देने वाले होते हैं उनकी जीत होती है या जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वो जन्म लेने वाले बच्चे की शक्ति के साथ साफ करते हैं, सारी जिंदगी की कमाई अंत में उनको सौंप देते हैं, क्या वो फर्स्ट क्लास दार दादी बन के रहते हैं जिंदगी, साबित होता है कि उस बच्चे ने पूर्व जन्म में उन माँ बाप के ऊपर कर्मों में जीत पाई है।
जैसे कि सीता वाली आत्माएं सत्युग में राधा कृष्ण को जन्म देंगी, सत्युग की 150 वर्ष की राजाई राधा कृष्ण वाली आत्माएं भोगेंगी। और उनके माँ बाप ने क्या किया है? संगम युग में संघर्ष ही संघर्ष किया ना, तो इसका मतलब हुआ कि यदि के आदि ने राधा कृष्ण की आत्माओं ने उन राम सीता वाली आत्माओं के कर्मों पर जीत पाई थी, ऐसे ही सतयुग में कलयुग की कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। सतयुग में सब कुछ सच्चा ही सच्चा होगा, कलयुग में सब झूठा ही झूठा। अब जितना अंतर 25 साल में कट जाएगा, विनाश होगा तो क्या नहीं अंतर हो जाएगा। अभी कलयुग अंत आने के लिए कई साल लग गए ना, अभी 30-35 साल अभी कहाँ अंत है, अभी भी तो कलयुग का अंत आ ही रहा है, अभी कहाँ अंत हो गया, अभी भी तो कलयुग ही चल रहा है। सभी 2027 तक संगम युग समाप्त होना है ना, संगम युग समाप्त होना है और साथ काम है सारी दुनिया से कलयुग का भी खात्मा हो जाएगा। अभी सैंपलिंग लग रहा है तुम बच्चों को नई दुनिया की, तो बाप दादा ने देख दी है, सैंपलिंग लग गया है, फाउंडेशन पड़ रहा है। तीव्र गति से सतयुग आ जाएगा, ऐसे अच्छा ऐसे वैसे आगे का टाइम बीतता जाएगा वो काम तीव्र होता जाएगा। तो नई दुनिया जो है वो तो थोड़े लोगों की होगी या 500-700 करोड़ की लोगों की होगी, दुनिया तो 500-700 करोड़ लोगों की है और नई दुनिया तो 100 करोड़ की होगी। प्रतिभा पाटिल वो है जो राजाओं के स्थान की हो, राजाओं का स्थान है ही राजस्थान, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है ऐसा ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बता दिया। ब्रह्मा बाबा हद की भाषा बोलते हैं या देह की भाषा बोलते हैं? कांटों के ताग वाली बादशाही की बात की होगी क्या? कौन सी बादशाही की बात की होगी? देह की बादशाही की बात है, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज कांटों का ताज मिलता है कल उतार दिए जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, क्या बड़ी बात होगी। हाँ भाई, एक कोहिनूर का हीरा एक वार्तालाप में बोला है, राजा रंजीत सिंह के पास था, उन्होंने अंग्रेज को दिया भेंट में और वो बातचीत चल रही है, वो वापस भारत में आएगा तो उसके आने की बेहद की शूटिंग कैसी होगी? अभी बाप दादा विदेशी बन के पाठ बजा रहे हैं कि स्वदेशी बन के पाठ बजा रहे हैं? बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, जो बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है वो विदेश का हुआ है या स्वदेश का हुआ, क्या कहेंगे? विदेश का ही है, लेकिन विदेशी बनकर आए हुए हैं इसके अंदर क्या बात छुपी हुई है? विदेशी है नहीं, नाटकबाजी चल रही है। तो जैसे वो जड़ हीरा है, दुनिया का इतना बड़ा बेशकीमती हीरा है जिसकी आज तक कोई ने कीमत नहीं आंक पाई, ऐसे ही चैतन्य हीरा है, नाम ही जिसका रखा हुआ है ड्रामा प्लेन अनुसार भक्ति मार्ग में,
ओ कौन है नू हीरा कौन है नू हीरा हीरो उसी के लिए कहा गया है वो होने भी हीरा और हर धर्म का राज्य का फाउंडेशन किस आत्मा के द्वारा डाला जाता है रूहानी बाप है वो किस जन्मों की राजाई का फाउंडेशन डालता है और जो मनुष्य शक्ति का जिस्मानी बाप है वो जितने भी जिस्मानी धर्म है उन सब धर्मों की राजाई का फाउंडेशन डालता है। तो सिख धर्म की राजाई कहाँ से शुरू हुई पंजाब कौन है वो गोविंद गुरु गोविंद वो क्या वो राजा थे रणजीत सिंह पहला राजा हुआ जिनके द्वारा सिख धर्म की राजाई का फाउंडेशन डाला गया। इतिहास में दिखाया गया ब्राह्मण की दुनिया में बी सी की दुनिया में तो जिस्मानी धंधा शुरू कर दिए बड़े बड़े मकान लगा दिए मेरा बाबा का मेरा बाबा के नाम से ट्रस्ट बना करके बड़े बड़े दुकान बम्बई में लगा दिए ऐसे जिस्मानी शुरू कर रहे हैं इसके लिए कुछ भी शुरू कर रहे हैं उसमें फाउंडेशन में या मनुष्य मत है वो देखना। मुरली में तो ये कहा है तुम बच्चों को रस्ते का निगरण उनकी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट हमारी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपने को लड़ क्यों पड़े फिर हमें उनके अंदर में चलना पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी गवर्नमेंट के अंदर में अंदर भी कंट्रोल आ गए भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गए उस वक्त स्थापन नहीं कर सकते। पैसा कमा सकते हैं धनवान बन सकते हैं लेकिन वो धन इसलिए सेवा का काम नहीं आ सकते। पिछले जन्म जो अठावन बताया ना 2018 में तो संगम की पिछले की बात है क्या संगम की बात है वो संगम की प्रश्न जो है वो गर्भ से जन्म लेता है गर्भ से जन्म लेता है। अब जो जन्म होगा वो ही तो बताया वो विचार करने की बात है कौन सा जन्म होगा संगम भी करते हैं संगम भी आगे है वो कोई एक माँ बाप से जन्म लेंगे या अलग अलग माँ बाप से जन्म होगा एक माँ बाप से जन्म होगा वो दुनिया की बात है संगम की बात है जिसके साथ तंत्र दिखाया गया है वो संगम की दुनिया की बात है दोनों भवन से अलग अलग है। राधा चंद्रवंशी चंद्रवंशी हो गए राधा पंथी है सूर्यवंशी हो गए कृष्ण पंथा है सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा गया जाना सके तो बड़ी भारी मुझ हो गई है आखिर ये दोनों मिलकर के एक कैसे होंगे नई दुनिया में तो एक ही वंश होगा दो वंश तो होंगे नहीं दो राजा ही अनुमान होगी नहीं तो आखिर ये मुदान कैसे दूर होगी। आप
प्रेम चक्रवंशी राधा को सूर्यवंशी कृष्ण के यहाँ आना होता है। पहले कौन सा युग है? जो आगे है वो आगे होगा, जो पीछे है वो पीछे होगा। नचनी कुचनी होती है, स्त्री और पुरुष की ऊर्जा शक्ति होती है। वो शक्ति जब ऊपर जाने की अभ्यासनी हो जाती है तो उसको कहते हैं सुदर्शन शक्ति जागृत हो गई। अभी जो भी ऊर्जा है देह राशियों को याद करने से, देह को याद करने से, देह के पदार्थों को बुद्धि जाने से, वो ऊर्जा नीचे की तरफ खिसक जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। अधोगामिनी शक्ति नीचे जा रही है, इसलिए जो शक्ति पैदा हो रही है तो वो मुक्त की शक्ति पैदा हो रही है। जब ऊर्धगामी हो जाएंगे ब्राह्मण देवताएं तो भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश नहीं होगी, उनकी श्रुति भी आना बंद हो जाएगी। सारी शक्ति का संचार उम्र रेखा हो जाएगा। शक्ति जागृत करती है, उन्होंने शक्ति जागृत करती है। इस बार एक पोस्ट में गए थे ना, उस टाइम को भी लोग मिली थी, उस टाइम दुबई से उनको बात कर रहे थे, उन्होंने शक्ति जागृत करती है। क्या करती है कुंडली शक्ति जागृत हो गई? उसकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई। सुनाई बातों से भारतवासियों जो गति तो नहीं पाई ऐसी कोई माता है सामने बैठते ही उनकी कुंडली में जागृत हो रही है? तुमने सुनाई है या तुमने देख भी लिया? आदि बोलते हैं ना, सुनने मात्र भी तुमने स्वीकार कर लिया ना? ऐसे तो नहीं दुर्गति को पा रही है हमारी, जो जितने कहा सत्य वचन महाराज। जब ब्रह्मा की आत्मा प्रजापिता के शरीर में प्रवेश इतने सालों से करती है तो प्रजापिता के संसर्ग संपर्क से वो बीज विशेष को पकड़ लेती है। इतना होने पर भी उनके बुद्धि में अभी भी साक्षात में गीता का भगवान कौन है ये नहीं बैठ पा रहा है, ये कैसा? और इस बात की शूटिंग संगठन में किस तरह प्रजापिता ज्यादा पावरफुल है या शिव परमात्मा ज्यादा पावरफुल है? शिव परमात्मा शिव ज्योति बिंदु तो उनमें 40-45 से प्रवेश कर रहा है, और इतने काम प्रवेश करने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठा पाया। प्रजापिता बैठा ही नहीं सागर खारा भी और सागर मीठा भी, परंतु नदियां मीठा पानी बहाती हैं। ज्ञान सागर है जहाँ जहाँ गर्म धाराएं बह रही है, उन धाराओं में मीठा पानी है और बाकी सागर खारा है।
ये अद्वैत का ये हुआ कि ज्ञान सागर बाप जब सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो मीठे पानी की धाराओं के रूप में थोड़े बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, एडवांस पार्टी के मुट्ठी भर बच्चे उनको वो बातें बहुत मीठी लगती है और वही बातें और दुनिया वालों को तो सागर मीठा भी है और सागर खारा भी। ब्रह्मा कुमारियों को वो बातें एकदम कर दो कार्यों का तो चिंता कार्यों का कोई छिपा था उसका आगे चीज पर क्या होगा जो बुद्धि से यह कर पाता उसका आगे चीज पर क्या होगा जीत पाएगा वो स्कूल करने के लिए जीत नहीं पाएगा मन और बुद्धि को ही जिसने कंट्रोल कर लिया तो स्कूल करने से वो कंट्रोल नहीं कर सकता। गोपालते में तो नहीं आ गए बाबा पहले पहले विलायत में राजा रानी का चैन को बनवाते थे पहले पहले विलायत में राजा रानी का चैन को बनवाते थे अभी सिर्फ रानी का ही बनवाते थे मम्मा जी को बाबा और मम्मा का चित्र रखवाते और अभी तो देखो देवी का ही चित्र रखवाते तो एडवांस बाबा ने बोला कि यहाँ की शूटिंग होगी ब्रह्मा की आत्मा जो सिटी तक में प्रवेश करती है यहाँ की वैसे जगदम्बा सारी विश्व पर राज्य नहीं करेगी बाप राजा देते हैं जगदम्बा को किसके द्वारा बाप आते हैं तो राजा ही देते हैं जगदम्बा को लेकिन किसके द्वारा जगत पिता के द्वारा तो जगत पिता से जगदम्बा को मिलती है राजा ही और तो बच्चों को किसने मिलती है जगदम्बा से मिलती है तो जगदम्बा के हाथ में सारे पृथ्वी राजा ही आ जाएगी तभी मिलेगी या ऐसे ही मिल जाएगी उस राजा के सामने ये दीदी राज्यों की राजा ही तो कुछ भी देगी नहीं दूर में आता दूसरा पॉइंट है अलवर के दरबार में मुगल गार्डन बनाया था वहाँ बहुत राष्ट्रपति बोलते यहाँ भी राष्ट्रपति भवन गार्डन बना हुआ है वहाँ भी बहुत ऐतिहासिक बोल रही है कौन सी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट है ना जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है वो बात बहुत बनाती है राम राज्य स्थापन करेंगे राम राज्य स्थापन करेंगे और बजाय राम राज्य के रावण राज्य ही बनता चला जाता है तो वहां मुगल गार्डन बनना कोई बड़ी बात हो गई क्या किसका गार्डन है मुगलों का सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्मा में लीन होंगे ब्रह्मा तो महत्व तो है ना सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्मा में लीन ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं ठीक है ब्रह्म तत्व तो है जड़ तत्व तो है चैतन्य तो नहीं है जैसे ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा तो देवी है देवी बुद्धि है तो मतलब इसकी अकल्प नहीं कल्पी नहीं है
जैसे बच्चे की बुद्धि होती है वैसे उसकी बुद्धि है, सन्यासी लोग होते हैं और वो ब्रह्मा ही प्रिय है, उनकी आखिरी मंजिल कौन सी है, काली तो जा रही है ब्रह्म नहीं काली बन जा रही ब्रह्म नहीं हो जाएगी बस। और हमारी हमारी यहाँ तक क्या है, हम ब्रह्म में लीन नहीं हो जा रहे, लेकिन जो ब्रह्म का भी क्रिएटर है उसको पहचाने और पहचान करके उसके लव में लीन हो जाए। क्योंकि आज में ब्रह्म को भी रचने वाला कोई था या नहीं था, साल के बाद तो आपने बताया कि 36 साल और 24 साल वो कुर्सी से है, 36 साल और 24 साल ऐसा दोनों मिलकर 60 साल हो जाते हैं, तो उनसे मैच हो जाता है, 36 मिलकर और 24 साल मिलकर बीसीडी 462 में बता दिया है कि वानप्रस्थ अवस्था 36 साल और 24 साल ऐसा दोनों मिलकर वानप्रस्थ अवस्था बताई है, तो कौन से 36 साल और 24 साल कहने का मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कलशक्ति से 60 साल का, 60 साल और वो 40 साल और रह लिए तो 76 साल आता है, उस समय ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है, उसकी दुख की स्थिति खराब होगी मन बुद्धि से, ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खराब हो जाता है, मृत्युलोक उसका खत्म, कौन सा लोक शुरू, अमर लोक शुरू हो जाता है, मन संक्षिप्त से और आत्माएं नित्य अनित्य के जन्म स्थिति चक्र में चलेंगी, लेकिन वो आत्मा नित्य अनित्य के चक्र में नहीं आती है। और बाबा ने एक वार्तालाप में बोला, बाबा जैसे संगम युग पर राजा चलाते हैं उनको 21 जन्मों में कोई राजा नहीं मिलती है, कोई राजा ही क्यों नहीं चला, थोड़ी राजा ही चलाई, कोई ज्यादा राजा ही चलाई, कोई ना 100% राजा ही चलाई, तो अंतर नहीं पड़ेगा, राजा ही तो चलाई संगम युग में, लेकिन थोड़ी राजा ही चलाई, उसको उसको कुछ तो उजुरा मिलेगा, जो यहाँ 100% राजा बन के बैठ गया संगमयुग में, दूसरों को कंट्रोल हुकुम करता ही रहा, दूसरे उसके कंट्रोल में चले वो चले या न चले, ब्राह्मणों को क्या बताया है, सेवादारी बताया है या राजा बताया है, ब्राह्मण तो राजा ही होती नहीं, ब्राह्मणों को तो राजा ही नहीं करनी है, राजा ही पर नहीं बैठना है, सेवादारी बनकर करेगा, सेवादारी का मतलब रिक्वेस्ट करना है, ये काम कर सकते हैं ना, करें वो ही नहीं करता है खुद करने लग पड़ना, बाबा ऐसा बोला है कि बाप और बच्चे की सबसे के साथ 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 होती है, एक साथ होती है, इसका मतलब ये होता है कि राम बाप और कृष्ण बच्चे की सबसे के साथ एक ही साथ हो सकता है, क्या बड़ी बात है, राम और शांति राम के गेट साथ साथ खुलेंगे ना, कि नहीं खुलेंगे, शांति राम का गेट खुलेगा
तो शांति दाता प्रैक्टिकल में कोई होगा या नहीं होगा? तो गोदाम का गेट कितने का खुले है? ब्रह्मा के द्वारा सुखदाम का गेट खोलते हैं तो सुखदाम की शुरुआत हो गई। सुखदाम ने कोई तो किया होगा ऐसे शांति धाम का मुख्य सुखदाम का मुखिया तो एक ही है ब्रह्मा तो जब तक क्यों पच्चीस पंजे का आकार में है दर्द रहता होगा तो उसके बाद जब कि आकार में कब तक जब तक क्यों पच्चीस पंजे पच्चीस काम ही काफी है सिर्फ आकार जब तक संपन्न से हो जाएगा श्री बाबा का एक संस्कार भी नहीं रहे इसलिए क्या करना चाहिए एक भी संस्कार रहेगा तो फिर छोड़ना पड़ेगा ऐसा कहा है ना तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार करना चाहिए ज्ञान में एक्सपर्ट होना चाहिए जो कोई भक्ति मार्ग का संस्कार आ जाएंगे भाई पहचान ही नहीं होगी कि भक्ति मार्ग क्या है और ज्ञान मार्ग क्या है तो कभी भक्ति मार्ग पकड़ लेंगे कभी ज्ञान मार्ग पकड़ लेंगे पहचान होनी चाहिए पहचान माना ज्ञान जो ज्ञान में जितना जाति सीखा होगा उतना भक्ति मार्ग को नहीं आने देगा भक्ति मार्ग की बातों से दूर रहेगा राम कृष्ण वाली आत्मा ने भी भक्ति की थी ना हाँ नहीं की सबसे ज्यादा की भक्ति की होगी जो सबसे ज्यादा की भक्ति करेगा वो सबसे ज्यादा की ज्ञान उठा देगा जो सबसे ज्यादा की अपने विचारी भक्ति करेगा वो सबसे ज्यादा की अपने विचारी ज्ञान उठा देगा मूर्ति पर के शुभने पर स्टूडेंट का बोर्ड है इसलिए मूर्ति पर क्षेत्र में नहीं लगे क्षेत्र में टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा ऐसे जब तीन सीट फिक्स हो गई ब्रह्मा कौन विष्णु कौन शंकर कौन तो तीन मूर्तियों के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं लग गया बात ऐसे ही अष्टदेवों में जब आठों प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगेगा तो लगता ही रहेगा कितना
आग के सतर्कता होने के बाद चूल्हे का बोर्ड लग गया, अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे आग के नंबर में नक्षत्र में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हो गई, उनका प्रत्यक्षता उनकी जन्म साधित हो गया। अब उसके बाद कोई कितना भी पुरुषार्थ करे नरसिंह नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की सच कोटि प्राप्त नहीं कर सकता, चूल्हे का बोर्ड नहीं लग गया, ये तो लगता ही रहेगा अंत तक। नौ लाख सितारों के लिए भी ये बात लागू होती रहेगी। ऐसा बड़ा होता है कि वो एंटीसेप्टिक होगी, थोड़ी सी एंटीसेप्टिक चीज किसी को मिल गई तो प्रूफ प्रमाण दे सकता है, बाकी सारा सब कुछ तो नहीं मिल गया। पंसारी के यहाँ जो कुछ है पंसारी के दुकान में और जो जो भी माल भरा हुआ है वो सारा तो नहीं मिल गया, लेकिन अहंकार में आ गया ये ज्ञान हमारा है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो बड़े अहंकार में आकर के सुनाते हैं, उन्हें ये भूल जाता है ये ज्ञान हमको भी कोई देने वाला कोई दूसरा है, हमको भी जो बाबा ने दिया है हमारे पास नहीं था ये ज्ञान।